चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल से आई पवित्र शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अयोध्या पहुंचने पर साधु संतों और स्थानीय लोगों ने शिलाओं का स्वागत किया। रामसेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मण के मंत्र उच्चारण से शालिग्राम शिलाओं का पूजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर शालिग्राम शिलाओं का स्वागत किया। पुर से आते हुए बॉर्डर में बहुत भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह पे अद्भुत नज़ारा दिखने को मिला और एक रात कांटी में हम लोग बास बसे शिला के साथ, दूसरे रात गोरखनाथ के मंदिर में, आज तीसरी है यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखे थे, सब जगह इतने जनते में हलो और उल्लास था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता अंकुर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का उत्साह वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, और जब कल शिला अयोध्या में पहुंची तो माना जाए कि एक उत्साह का जो देखा जा रहा है। अयोध्या की जो आम जनमानस है उसको किसी वर्ग जाति विशेष नहीं कहा जा सकता। जो राम भक्त है वो हाईवे पर जो शिला का इंतजार कर रहे थे और जय श्री राम के जय घोष के नारे के साथ ही शिला यहाँ पर पहुंची। जी ठीक है, उत्साह कहीं ज्यादा है और शिलाओं का पूजन भी वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से भी किसी तरह की वहां पर तैयारियां की गई हैं? प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा जो है आईटीबीपी गांव में रहा है और तमाम बांटी जा चुकी है और सुरक्षा उसी में हम बात करेंगे। अयोध्या के साधु संत जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, राम किला अयोध्या पहुंची है और राम का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, क्या लग रहा है? ये प्रार्थना किसी के लिए बताया नहीं जा सकता है। ये 1700 वर्षों के संघर्ष पर हुआ विराम लगा है, वो सच्ची श्रद्धांजलि राम भक्तों। ठीक है, तमाम ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोगों ने फूलों के साथ शिलाओं का स्वागत किया है। शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं, जिससे जहां एक ओर आम जन बेहद खुश है तो वहीं साधु संतों ने भी खुशी से स्वागत किया है और एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होता हम देख पा रहे हैं और भक्तजन जो हैं वो बेहद उत्साह में हैं।